हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है हेडर फुटर और पेज नंबर। एमएस वर्ड में हेडर जो होता है ऊपर वाले सेक्शन से जो आता है उसको हम बोलते हैं हेडर, और जो नीचे वाले सेक्शन से आता है उसको हम बोलते हैं फुटर। तो सबसे पहले हम अपने पेज की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप हेडर फुटर और पेज नंबर का यूज करते हैं। जैसे हेडर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी एक हेडर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट टाइटल जो भी आप देना चाहें, जैसे मैं यहाँ ये लिख देता हूँ आईटी एजुकेशन, और यहाँ आप डेट लगा सकते हैं जो भी आज करंट डेट हो। तो आप देख सकते हैं हमारा हेडर बनके तैयार हो चुका है। और अब हम चाहते हैं कि एक फुटर भी डाल दें, तो इंसर्ट पे आएंगे और यहाँ से फुटर भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम जिसपे हमें कोई नंबर भी दिखाई दे तो ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं जूम थोड़ी कम करता हूँ आपको जैसे शो करा सकूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा फुटर और ये हमारा हेडर। अब जैसे हम कंट्रोल एंटर करते जाएंगे तो हर पेज पे ऑटोमेटिकली हमारा ये चलता जाएगा कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं अब बीच में हमें सिर्फ काम करना है। ये हमारा हेडर फुटर बनके तैयार हो चुका है, ये देखें पेज नंबर 2। अब जैसे मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ न्यू पेज, तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 3। तो इस तरह आगे हम हेडर फुटर और लास्ट में हमारा एक पेज गया वो है हमारा पेज नंबर। तो पेज नंबर भी आप यहाँ से टॉप ऑफ पेज के टॉप पे देना चाहते हैं, बॉटम पे देना चाहते हैं, पेज मार्जिन में देना चाहते हैं, या किसी करंट पोजीशन में देना चाहते हैं। तो हम यहाँ से करंट पोजीशन असेंड बार वन चूज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 आ चुका है। इस पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम इसको टॉप तो अब देखें अब हेडर की जगह हमारा पेज नंबर आ चुका है। आई होप आपने समझा होगा कि हेडर फुटर और पेज नंबर हम किस तरह यूज करते हैं।